स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी, और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 23 है। सबसे पहले डाइवर्सिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होगा विविधता या फिर भिन्नता। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लें कि इस चैप्टर में आपको किन किन पॉइंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता को समझना। इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी इंडिया एक महान विविधताओं वाली भूमि है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता। केस स्टडी लद्दाख एंड केरला, केरला और लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जो विभिन्नता है वो आपको बताएंगे। चलिए इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ अ पेक्यूलर फीचर, यानी कि भारत की जो विविधता है वो एक खास विशेषता है। वी ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन द फूड एंड कल्चर ऑफ द पीपल, यानी हम लोगों के कल्चर में और फूड में काफ़ी विभिन्नताएँ देखते हैं। सभी लोगों का फूड और कल्चर अलग अलग होता है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वियर डिफरेंट ऑफ क्लॉथ्स, उनकी जो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं, और जो वो कपड़े पहनते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, सब लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। Yet they exhibit unity towards their country. इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी ये सभी विभिन्नताएं एग्जिबिट करती हैं, यानी बताती हैं, क्या बताती हैं? यूनिटी टुवार्ड्स देयर कंट्री, अपनी कंट्री की तरफ जो एकता है या उस कंट्री में एकता है वो सबको बताती है। यानी ये कहना चाहता है कि भारत में इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता विद्यमान है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। देखिए, लुक एट योर हैंड, इसमें कह रहा है कि आप अपने हाथ को देखिए। डू ऑल फिंगर्स लुक द सेम, क्या सभी फिंगर्स सेम हैं? नो। लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने सभी फिंगर्स सेम नहीं होती। आप अपने चारों तरफ देखिए। यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स अराउंड योर सेल्फ, आप अपने चारों तरफ डिफरेंट एनिमल्स देख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी जो मनुष्य होते हैं वो होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं सब। ईच वन ऑफ देम इज़ डिफरेंट, वो सभी डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इफ़ यू लुक अराउंड योर क्लासरूम, अब आप चाहे अपने क्लासरूम में देख लीजिए। यू विल फाइंड दैट नो चाइल्ड इज़ एग्जैक्टली एज द सेम, कि जो सारे बच्चे हैं वहाँ पर वो सभी सेम नहीं होते। इवन इन अ फैमिली मेंबर्स लुक डिफरेंट, यहाँ तक कि अगर हम एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, वो डिफरेंट दिखते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उनकी जो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक दिखावट होती है, वो भी अलग अलग होती है। दे हैव डिफरेंट हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, उनके हैबिट भी अलग अलग होती हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। सम लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, अब उनके इंटरेस्ट में देखिए, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। सम लाइक टू प्ले क्रिकेट, कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। सम लाइक टू वॉच टीवी एंड सो ऑन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टीवी देखना पसंद होते हैं। यानी सभी का नेचर अलग अलग होता है। दस वी कैन डिफाइन डाइवर्सिटी एज द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट और यूनिक, यानी डाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? एज द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट और यूनिक, यानी अलग और अनोखा होने की जो स्थिति है, यानी अलग अलग और अनोखा होना ही क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। यानी अब आप वो डाइवर्सिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा यहाँ पर। डाइवर्सिटी अ वे ऑफ लाइफ, ये कह रहा है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो जीवन जीने का एक तरीका है। कैसे? एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, ये एक जीवन जीने का तरीका है। डाइवर्सिटी को स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना जीवन जीने का एक तरीका है। कैसे?
ईच ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट और डाइवर्स फ्रॉम वन अनदर एज ईच हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट। ये कह रहा है हर व्यक्ति डिफरेंट होता है एक दूसरे से, बिकॉज अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट, यानी सबकी अलग अलग स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं एंड इंटरेस्ट, और सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। सम पीपल आर गुड एट सिंगिंग, कुछ लोग सिंगिंग में गाने में अच्छे होते हैं। सम मे चूज टू बिकम लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वकील बनना पसंद करते हैं, कुछ डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, कुछ इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स होते हैं। आर्किटेक्ट्स का मीनिंग होगा जो इमारतों और भवनों का नक्शा तैयार करते हैं वो लोग। वाइल जबकि अदर में हैव द स्किल्स टू बिकम एक्टर, पेंटर्स और राइटर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्टर बनने की स्किल होती है और वो एक्टर बनना पसंद करते हैं, कुछ पेंटर और कुछ राइटर्स यानी लेखक। द अंडरलाइंग फैक्ट्स इज दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड दीज डिफरेंसेस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। ये कह रहा है सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि जो ईच ह्यूमन बीइंग है यानी हर एक ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, अनोखा होता है, अलग होता है, एंड दीज डिफरेंसेस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और इन डिफरेंसेस को हमको समझना चाहिए, इन गुणों को समझना चाहिए, इनकी सराहना करनी चाहिए। डाइवर्सिटी दस इज नीडेड टू ऐड वैरायटी टू लाइफ एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। ये इसमें कहना चाहता है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को और मीनिंगफुल और सार्थक और अच्छा बनाती है, इसलिए हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है या डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस होता है। कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी।